सीएसएनआर की ओर से आयोजित कार्यशाला में बच्चे और किशोर को अपराधियों से दूर रखने की बातें कही गई है। कार्यशाला में बच्चों के प्रतिकूल मनोविज्ञान पर प्रहार ना हो इसके लिए कई सुझाव दिए गए। महिलाओं की गिरफ्तारी होने पर महिला पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। किया है तो ये सारा चीज सभी सामने आया है और सरकार जिसके जरिए हम लोग को न्याय मिलना चाहिए मगर वो सिस्टम खुद हम लोग को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं या सिस्टम का रखवाली खोले ये हम लोग को सबको अपना अनुभव से भी मालूम है। बहुत सालों से हम लोग यहाँ काम करते हैं और यह अपना खुद का अनुभव है जो पुलिस स्टेशन जाने से किस तरह हमारे साथ व्यवहार करते हैं। आप लोग ने कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताया कि स्कूलों से शिक्षा में इसको लाना बहुत जरूरी है जिसे महिला के ऊपर जो भेदभाव होता है या बच्ची के ऊपर जो भेदभाव होता है। आप रंजीत जी ने बोला कि जो शुरुआत से जन्म से लेकर के जन्म के पहले से लेकर के भेदभाव हमारे समाज में है था अभी भी है ये खत्म नहीं हुआ है और खत्म करने के लिए हम लोग सब बातें करते हैं और पेपर में लिखते हैं या किताब में लिखते हैं मगर खत्म नहीं हुआ है। ये जो पैट्रियार्क जो विचारधारा है अभी और भी मजबूत हो रहा है खत्म नहीं हो रहा है बल्कि मजबूत हो रहा है तो इसको कैसे रोकेंगे इसके बारे में हम लोग को समझना और हमारे बच्चों को समझाना स्कूल के किताबों में। देखिए ये मैसेज बहुत बड़ा मैसिव मैसेज चाइल्ड और वेलफेयर को लेकर कि पूरे झारखंड में जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया जो कार्यक्रम करा रहे उसमें झारखंड में सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार होते हैं और जो अत्याचार होते हैं उसमें सबसे झारखंड चार स्टेटों में पहले नंबर पे आता है। इसके लिए यहाँ से लोग सभी लोगों ने जुट के गंभीर चर्चा किया है कि कैसे महिला और बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं यहाँ पर जो है जिसका क्या कारण हो सकता है और किस तरह का होता है। इसलिए बैठ के सेमिनार का आयोजन किया गया उसके तहत हम लोगों ने डिसीजन किया कि जो इस तरह की घटनाएँ घटे जो हमारे यहाँ की महिलाओं बच्चियों पर जिस तरह का अत्याचार है तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है क्या उसका क्या कार्यक्रम होता है तो इस पर सीआरपीसी और आईपीसी का जो धारा उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। पुलिस डेस्क बनाने की बात है महिलाओं के हल सुरक्षा के लिए महिलाओं के संरक्षण के लिए बच्चों के संरक्षण के लिए जब थाना में जाए तो कैसे पुलिस को कैसे कॉपरेट होकर काम करना चाहिए न्यायपालिका और पुलिस जो है कैसे मिल के काम करें ताकि उसको अधिक से अधिक अधिकार मिले। और एक बात और हम लोगों ने कहा कि झारखंड में मूल समस्या पलायन है और गरीबी है जिसके कारण यहाँ की बच्चियाँ जब दूसरे राज्यों में जाती हैं काम करने जाती हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं तो रोजगार कैसे झारखंड की सरकार यहाँ मुहैया करे पंचायत लेवल पर कैसे रोजगार सृजन करे इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो सीआरपीसी के कानून में बदलाव लाया क्या अधिकार है जनता को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने उस पर पहल किया बातें रखी लोगों को जागरूक करेंगे हमारे बीच में और कई पैनल के साथ हैं स्टेट बार काउंसिल के लोग हैं सब एडवोकेट डॉक्टर ये सब लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा के सभी बुद्धिजीवी जुटे हुए सभी लोगों ने अपना जो योगदान दिया उस पर आप बात कर सकते हैं। आज का जो विषय जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स भी है और बेसिकली ये कंसंट्रेटेड एंड फोकस था एक चाइल्ड और वीमेन हेल्प डेस्क के ऊपर आधारित था। ये तो जैसे बताया गया कि उड़ीसा सरकार में एक रिसर्च वर्क चल रहा है जो 2005 से ही चल रहा है इसी इन्हीं विषयों पर और उन्होंने काफ़ी डेटा वगैरह सब एनालाइज करके और उन्होंने दो तीन राज्यों का जिनमें बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा का खुद का भी है उसमें देखा गया कि ये झारखंड में जो चाइल्ड अब्यूज़ है और चाइल्ड का जो रेप का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। 300 केस एक साल में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है एफआईआर हुआ है जो अनरिपोर्टेड केस होंगे वो तो अलग से होंगे तो यहाँ चूँकि संख्या बढ़ती है या बढ़ी हुई है तो ये चाइल्ड और हेल्प डेस्क बनाने की जो बात है उसके बारे में जो गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस बना हुआ है वो ये कहता है कि हर पुलिस में हर पुलिस थाने में वो ऐसा एक हेल्प डेस्क बना हुआ होना चाहिए जो चाइल्ड फ्रेंडली हो
और चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए वो एक ऐसा कॉर्नर हो या ऐसा आइसोलेटेड रूम हो जिसमें सब तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें बच्चों के मुताबिक उसमें मैप हो उनका जो है सो ड्राइंग हो या फिर उनको खेलने के प्ले टॉयज़ वगैरह हो, इस तरह के बने हो, और प्लस उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो अथॉरिटी होंगे वो कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई ऑफिसर होगा या ASI रैंक का ऑफिसर होगा, वो उनको इन्वेस्टिगेट करेगा या इंटरोगेट करेगा। दूसरा ये कि वो जो इंटरोगेट करेगा वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के साथ साथ वो जो है बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में वो अच्छी तरह समझे, और बाकी जो वकील साहब ने बताया कि वहाँ पे उनको कोई मेंटल हैरेसमेंट या मेंटल टॉर्चर नहीं करना है, उसको सामने में एक्यूज को नहीं लाना है, और उनको ऐसा एनवायरमेंट देना है कि ताकि वो ये ना समझे कि वो पुलिस थाने में आया हुआ है, वो ऐसा समझे कि वो अपने घर के एट होम इन है, वो घर के माहौल में वो अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उस स्टेटमेंट की प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है या फिर CCTV से उसका जो है आई कॉन्टैक्ट कैसा है उसका है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उस सब की प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, और उसका जो प्रॉपर उसके मन में क्या बात चल रहा है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि वो या तो वो जुवेनाइल होगा या तो वो विक्टिम होगा या तो कोई इस तरह का केस होगा उसके बारे में प्रॉपर और सही तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो ऐसा माहौल क्रिएट करता हुआ थाना, हमें बताया गया कि इस तरह के झारखंड में कुल 27 मात्र ऐसे बने हैं अभी जो है पुलिस हेल्प डेस्क जो है ओनली 27, ये इनका रिसर्च बताता है, अभी इसकी कोई लिस्ट हमें प्राप्त नहीं हुई या लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि ऐसे थाने बने भी हैं या ऐसा हेल्प डेस्क थानों में बना है, तो इनको प्रोपेगेट करने की आवश्यकता है, ये जितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे और सोसाइटी में इसका अवेयरनेस होगा तो इस तरह के साथ में अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जी थाने तक महिलाएं पहुंचती हैं उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, हाँ इसको लेकर आपको कैसे आवाज उठाई? नहीं, कार्रवाई नहीं होना उसके बारे में तो वकील साहब ने बताया है कि कार्रवाई करने के लिए आपके पास थोड़े अवेयरनेस की आवश्यकता है, हमारे पास कानून मौजूद है, यदि थाना वो केस को नहीं वो केस को नहीं लेता है तो उसके लिए उसके लिए आप ई आवेदन दे सकते हैं, EFIR भी लॉन्च होता है, और इसके साथ साथ आप पर्सनली आप CGM के कोर्ट में भी आप उसका कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, CGM के यहाँ से निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, कंप्लेंट केस लॉन्च होता है और उस पर कार्रवाई होती है। मेरा नाम अभय कुमार सिन्हा है, मैं झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और प्रीवियसली मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी रह चुका हूँ सेवानिवृत्त। देखिए दो एक ये है कि जो दो तरह की बातें, एक बात है कि जो बच्चा होकर के क्राइम करता है या एक्यूज है उसका ट्रीटमेंट, और एक जो बच्चा है जो विक्टिम हो गया, दो कानून मेरे यहाँ है, इसको डिस्टिंग्विश करना होगा। सबसे पहला बात है, अभी तक जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो है जो बच्चे हैं उसको बड़ों के साथ नहीं रखना है, तो आज के दिन में ये होता है कि अगर मान लिया जाए किसी का बड़ी ग्रोथ हो गया 16 साल के उम्र का है या 15 साल का उम्र है तो वो जनरल एक्यूज के साथ उसको जो रखा जाना चाहता है, इससे ये होगा कि उसका जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको एकदम इसके ऊपर जो है बहुत बड़े पैमाने पर काम करना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो एज फिक्सेशन का मामला है, क्योंकि एज फिक्सेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक तरफ एज के नाम पर जो है झूठे मुकदमा भी होते, जो एकदम छोटा सा बच्चा है किसी से अगर इनिमिटी है सिविल डिस्प्यूट है वैसी परिस्थिति में उसको अपने बच्चे को एक्यूज बना के FIR भी लॉज होता है, जो कि कहीं भी मतलब अगर आप देखेंगे केस हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं से नहीं लगता है लेकिन केस रजिस्टर्ड है। तो एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस लाइन जुडिशियर लाइन पर काम कर रहे हैं, हमें यह चीज़ को प्रण लेना होगा कि जो कोई भी निर्दोष बच्चा को एक्यूज नहीं बनाया जाए, और अगर कोई बच्चा किशोर या किशोरी या छोटे बच्चे अगर इसका विक्टिम होता है तो उसके साथ न्याय हो, दोनों बात को लेकर के चलना चाहिए, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लीगल कैंप लगाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इसका जो मोडालिटी है ये समझाने की ज़रूरत है। जब आपके यहाँ ये मामला हो तो हमने कहा अपने अभिभाषण में कि मूट कोर्ट की तरह इसको एक हम लोग को सीन क्रिएट करके समझाना चाहिए। मेरा ये कहना जो अभी कानून तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लागू होने में प्रॉब्लम है, इसको लागू करवाने के लिए हमें बात करनी चाहिए। AK रसीदी एडवोकेट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर झारखंड स्टेट वक्फ बोर्ड, एडवोकेट झारखंड हाईकोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज
प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।